साहेब कबीर कहते हैं, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान बंत सुनी ले, अब मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठी का दे। सब मनुष्य नहीं है, मनुष्य बहुत कम है, एक्का दुक्का मनुष्य है। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप मानव हैं, अगर आप इंसान हैं, तो अपनी मां का सेवा कीजिए, अपने पिता का सेवा कीजिए, अपने गुरु का सेवा कीजिए। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं, कबीर साहब ने कहा हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा गैवी खेले माई। हम कैसे लगते हैं आपको, हिंदू के जैसे कि मुसलमान के जैसे, कैसे लगते हैं? कल मैं परसों समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एक मुसलमान आया, कहा सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, क्यों? तो टीकी नहीं देखा, टीकी हम नहीं रखते हैं, चूंकि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न हम सिख हैं, न ईसाई हैं, न हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, हम टीकी नहीं रखते हैं, और मैं सुन्नत भी नहीं कराया हूं। आ हिंदू मोच रखता है, आ मुसलमान दाढ़ी रखता है, तो हमको मोच दाढ़ी दोनों है, न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं। हिंदू धोती पहनता है, मुसलमान लुंगी पहनता है, हम अरबन को पिन पहनते हैं, न हिंदू वाला न मुसलमान वाला। हिंदू लोटा रखता है, मुसलमान बधना रखता है, तो हम कमंडल रखते हैं, न एकर वाला न एकर वाला। क्या है हम झगड़ुआ लोग नहीं हैं, हम कत्ल कराने वाले नहीं हैं, हम खून की नदी बहाने वाले नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम मंदिर जाने वाले नहीं हैं, हम मस्जिद जाने वाले नहीं हैं, हम गिरजा जाने वाले नहीं हैं, हम गुरुद्वारा जाने वाले नहीं हैं। हम इंसान हैं। अगर मान लिया जाए कि आपने अपने को हिंदू कहा, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ क्या है? वेद। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव। वेद ने नहीं कहा दुर्गा देवो भव, काली देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, हनुमान देवो भव, महादेव देवो भव। वेद ने कहा मातृ देवो भव, और माँ को आगे किया इसलिए कि माँ का लागत मेरे जीवन में बारह आना, इसलिए माँ को आगे किया है। सबसे बड़ा देवता इस धरती पर अगर कोई है, तो माँ से बढ़ के कोई नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, और अतिथि देवता है। यही चार देवता वेद ने लोगों को बताया। अगर इनका सेवा, ये अतिथि सारे बैठे हुए हैं, ये माँ बहने भाई बंधु, ये सारे अतिथि दिघौन गांव के जो संत लोग हैं, जो आयोजक हैं, उनके देवी और देवता आके बैठे, इनका मान सम्मान करना, इनका स्वागत करना, इनका आदर करना इन लोगों का काम है। यही चार मुख्य देवता हमारे हैं। ऐसे आप अजाल खजाल 1,00,000 देवी देवता का पूजा कीजिए, वो आप जानिए, मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में। आज तक मैं 66 बरस का उम्र मेरा हुआ, लेकिन आज तक कहीं मिट्टी पत्थर गोबर सीमेंट बालू पर मैंने अपना मस्तक नहीं झुकाया, आज तक नहीं झुकाया। झुकाया है तो अपने मां के चरणों में, अपने पिता के चरणों में,
अपने दादा दादी नाना नानी के चरणों में, अपने मौसा मौसी फुआ फूफा के चरणों में, अपने मामा मामी के चरणों में और ये संत महात्मा के चरणों में इस मस्तक को मैंने झुकाया, लेकिन गोबर माटी पत्थर पर आज तक मैंने नहीं झुकाया। बंधुओं, अगर आप मानव हैं, अगर आप नर हैं, अगर आप इंसान हैं, तो ये चार देवता का पूजा आप कीजिए। ये माता पिता गुरु और अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं, इनके प्रति श्रद्धा रखना हमारा धर्म है, हमारी भक्ति है, हमारी पूजा है।